हाय दोस्तों, मैं हूं आपका स्किल्स एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस का पता चल सके। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है लोगों को जॉब के हवाले से। लोग अगर तो मार्केट में जॉब्स है नहीं है, अगर जॉब्स वगैरह थोड़ी बहुत ही है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और क्वेश्चन का सही आंसर ना देने की बिना पे आप उस जॉब को खो देते हैं, तो आज आपको ऐसे जबरदस्त तरीके बताऊंगा, ऐसे जबरदस्त आंसर्स बताऊंगा कि अगर आप इंटरव्यू में प्रिपेयर होके ये आंसर्स के साथ आप इंटरव्यू एचआर के सामने जाते हैं या इंटरव्यूअर जो भी इंटरव्यू या सीईओ ले रहा है आप उनके सामने जाते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में और एचआर में पूछे जाते हैं। हम आपको वन बाय वन तमाम तक क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे ताकि आप बेहतर सीख पाए और जॉब को विन कर पाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। इंटरव्यू क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसका वन बाय वन शेयर करेंगे। जनरल रूटीन क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। जनरल रूटीन क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम आपके साथ इसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन अगर भी उसका देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, और हम जब वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता हो कि ये किस टाइप की कैटेगरीज में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट क्वेश्चंस। एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री ट्रेंड क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है जॉब लोग करते हैं टेम्पररी लॉन्ग टाइम के लिए, क्या सोच के करते हैं, तो ये जॉब को छोड़ने वाला जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे इसके अंदर सब क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको डिस्कस करेंगे जब आपके साथ, तो आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे ताकि आप बेहतर तौर पर इंटरव्यू को विन कर पाए। उसके बाद आता है क्वांटिफाइंग योर एक्सपीरियंस। तो आप एक्सपीरियंस में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस क्वेश्चन नहीं होता है, रेलिवेंट क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं जिसको हमने रिसर्च के बाद इकट्ठा किया। हम आपके साथ इसको वन बाय वन आगे मजीद इसी ट्यूटोरियल में मजीद आगे शेयर करते रहेंगे, आप बेहतर तौर पर सीख पाए। इसके बाद जॉब सर्च क्वेश्चन होते हैं, जब आप जॉब ढूंढते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जॉब सर्चिंग के हवाले से कि आप यहां तक कैसे पहुंचे, तो प्रॉपर आंसर्स क्या होंगे और प्रॉपर क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं ये आपसे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कि आपकी जो हैबिट्स और स्टाइल्स हैं वो क्या होने चाहिए ताकि आप इंटरव्यू को विन कर पाए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू को विन कर पाएंगे तो आपको जॉब मिल पाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होगी, क्योंकि जब एक रेलेवेंट पर्सन किसी भी इंडस्ट्री एचआर को मिलता है तो वो उसको कभी भी खोना नहीं चाहते। तो ये क्वेश्चन से ही आइडेंटिफाई होता है कि आप कैपेबल हैं या नहीं। उसके बाद आपसे आता है सर्विस क्वेश्चन। यहाँ पे आगे कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग सही आंसर नहीं दे पाते, बाकी क्वेश्चन ठीक होने के बावजूद सर्विस क्वेश्चंस पे आकर लोग स्टक हो जाते हैं, ऐसे आंसर देते हैं कि उनको जॉब नहीं मिल पाती। तो सर्विस क्वेश्चंस में भी बहुत सारे ऐसे सब क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, प्रॉपर आंसर होना चाहिए, प्रॉपर आंसर हम आपसे शेयर करेंगे ताकि आप प्रॉपर क्वेश्चंस का आंसर दे के आप विन कर पाए इंटरव्यू को। उसके बाद आ जाता है पर्सनैलिटी क्वेश्चन। आप इसे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, आपसे क्वेश्चंस के अंदर से ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ये क्वेश्चन क्या हो सकते हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद आता है करियर गोल्स। जैसे जॉब छोड़ने के हवाले से इसी तरह करियर गोल के हवाले से अगर आप इसका आंसर सही तौर पर दे पाते हैं तो एचआर या सीईओ अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्टिंग में अगर आपके आंसर पावरफुल होते हैं, जो कि हम आपको टेक्निक्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, आप उसको प्रॉपर तरीके से देखिए और उसके बाद आप इसको विन कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको आप बेहतर तौर पे वन बाय वन हम आपके लिए ट्यूटोरियल लाएंगे जिसमें इसकी कैटेगरीज होंगी और सब क्वेश्चंस होंगे कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या तरीका है, उसको कैसे आंसर्स करना है। ये कुछ तरह के क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको सीख पाए और अगर आपने इसका सही तौर पे आंसर दे दिया तो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये नहीं कहता कि 100% श्योर है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बाकियों के निस्बत आपके 80% चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन में। तो आप हमारे साथ अगर इसको मजीद सीखना चाहते हैं कि जनरल रूटीन क्वेश्चंस कौन से होते हैं और इसी तरह से जो अभी मेन आपसे क्वेश्चंस की टाइप्स हमने डिस्कस की है इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो इन क्वेश्चंस के लिए ट्यूटोरियल लेकर आता रहूंगा। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स
की कैटेगरीज आपको पसंद आई हैं, अगर आप समझते हैं कि ये क्वेश्चंस आप मजीद जानना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन है सब्सक्रिप्शन बटन के साथ उसे जरूर क्लिक करें, ताकि ये जो भी वीडियोस हम लेकर आएंगे आपको फौरन पता चल सके। तो उम्मीद करता हूं कि इस मेन टाइप्स को आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, और यही मेन टाइप्स है जो हर जगह पे किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी है, बड़ी है, इंटरव्यू सही ये खुद ले रहे हैं, ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसका आंसर अगर आपने समझ लिया और आप सीख लिया आपने, तो आई एम 80-90% श्योर कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आप जब इसको सीख लेंगे तो आप बेहतर तौर पर जान पाएंगे कि वाकई आपके अंदर नॉलेज की बहुत ज्यादा बेहतरी आई, आप बेहतर आंसर दे पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। अगर आप अपनी मर्जी का कुछ जानना चाहते हैं या हमारी बेहतरी के लिए कोई मशवरा देना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स करें।